आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के अमौर में आदिवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रखंड मुख्यालय पहुंची। महिलाओं की मांग थी कि शराबबंदी एवं लॉकडाउन के चलते सभी के परिवार के लोग बेरोजगार हो गए हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से महिलाओं ने मुलाकात की। महिलाओं ने वीडियो से मिलकर एक आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में बताया कि शराबबंदी व लॉकडाउन के चलते सभी परिवार के लोग बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ तक कि बाल बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया है। पढ़ने वाले बच्चों को भी पठन पाठन में कठिनाई हो रही है। सभी परिवार के सदस्य भूमिहीन हैं, कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है। 150 परिवार भूमिहीन सदस्य हैं। मांग करते हुए कहा है कि लोगों को सरकारी योजना के तहत रोजगार मुहैया कराया जाए। मेरा नाम मामिया सोरेन है। क्या परेशानी है आप लोग को? हम लोग को यही परेशानी है सर, आज तक तो हम लोग को सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और सरकारी योजना का लाभ नहीं लिए हैं। जहाँ तक कि पदाधिकारी लोग बोलते हैं हाँ आप लोग को लाभ दिया जाएगा, आप लोग गरीब हैं, आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का गाँव तक आज तक कुछ नहीं पहुँच रहा है। जहाँ तक कि हम लोग का इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है। कौन सा गाँव है आप लोग? हम लोग का गाँव है हलालपुर सिरोटला संथल टोली। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 5 है। पंचायत अमर है, प्रखंड भी अमर है, भाया वाईसी है। आवेदन किनको दिया आप लोग आज? हम लोग बीडीओ साहब को दिए हैं। अभी क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोग का मांगे हैं, हम लोग आपकी पिछड़े जाति से हैं और गरीब लोग हैं, और हम लोग का यही है जो गांव में सारे लेडीज लोग दारू बनाते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं। दारू तो बहुत खराब चीज है और हम लोग बनाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आज हम लोग न्यायालय में आए हैं और अपने आवाज़ उठाते हुए बीडीओ साहब को आवेदन दिए हैं, यानी कि हम लोग का मांगे पूरी किया जाए। जो हम लोग का मांग है, एक तो बच्चे का पढ़ाई, एक तो खाने पीने के लिए, घर द्वार के लिए, हर चीज़ से हम लोग अस्त व्यस्त हैं। तो मनरेगा योजना आप लोग के लिए चलाई जाती है, मनरेगा में जॉब कार्ड बना के दिया गया है? नो सर, हम लोग को आज तक कोई मनरेगा का या जॉब कार्ड या किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है। जी मेरा नाम है ममता हेम्ब्रम, हम हलालपुर के रहने वाले आदिवासी टोला के हैं, और हम लोग को सरकार योजना अभी कुछ नहीं मिल रहा है और लॉकडाउन में बहुत परेशान है, और इतना दिन से सरकार कहते आए हैं कि आप लोग को दारू छोड़ना है, लेकिन छोड़ तो रहे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है और रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं है। अभी तक हम लोग ब्लॉक में आते हैं तो हम लोग को कागज का देखभाल कोई करता ही नहीं है, और उस कागज को आगे बढ़ाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कागज को अपना ऑफिस में रख करके ही वो हम लोग से कहता है कि आप लोग को रोजगार दिया जाए। हम लोग दारू बनाते हैं मजबूरी में, अगर जमीन होने से तो हम लोग खेती बाड़ी लगाते और वो बेच बेच के हम लोग कुछ करते, लेकिन अभी तो खेती बाड़ी भी नहीं है, जमीन नहीं होने के कारण इसीलिए हम लोग मजबूर में जो है दारू बना। सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हम लोग कौन चीज़ से पसंद है, हम लोग का बाल बच्चा है, एक दारू नहीं बनाएंगे तो जमीन भी नहीं है, जोन कमाने जाते हैं तो उधर भी नहीं मिलता है। हम लोग का पति लोग जाता है मट्टी काटने, वो लोग भी पुलिस भगाता है, कैसे हम लोग खाएंगे? अच्छा मनरेगा योजना से तो लाभ मिलना चाहिए, जॉब कार्ड है आप लोगों का? नहीं